बैठक में ये फैसला लिया गया है और बैठक में गिरजाघरों में आराधना को लेकर कॉमन गाइडलाइन तय की गई है। 65 साल से अधिक आयु के मसीही चर्च, 10 साल या उससे कम आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और जिन्हें बुखार, सर्दी, खांसी या फिर अन्य बीमारी है, वह गिरजाघरों में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। प्रवेश और निकासी के लिए अलग अलग दरवाजे, प्रवेश में पूर्ण सैनिटाइजर, हाथ धोने व थर्मल स्क्रीनिंग का इंतजाम किया जाएगा और अंदर और बाहर शारीरिक दूरी का पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा। व्यक्तियों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी तय हो गई है। सुप्रिया लगातार हमारे साथ में जुड़ गई हैं। सुप्रिया, अब गिरजाघर भी खोले गए हैं और एक गाइडलाइन भी कह सकते हैं कि सरकार ने जारी कर दी है किस तरह से प्रवेश करना है। अब देखना ये होगा कि जनता उस पर कितना अमल करती है। बिल्कुल, प्रदेश के जो तमाम धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए 8 जून को जो है हिदायत दी गई थी, उसके बावजूद भी गिरजाघरों को ऑनलाइन जो है आराधना का निर्देश दिया गया था। ऑनलाइन आराधना का जो फैसला है वो गिरजाघरों में लिया गया था और गिरजाघरों को नहीं खोला गया था। हालांकि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे है वो खोले गए थे, लेकिन अब से जो है गिरजाघरों में ऑनलाइन आराधना का जो फैसला था उसे जो है वापस लिया गया है और अब जो है गिरजाघरों को जो है खोलने का जो गाइडलाइन है वो कल तय किया गया है। कल जो है पादरियों के बीच बैठक हुई है और उस बैठक में फैसला लिया गया है कि अब 65 साल की आयु के मसीही जन, 10 साल से उससे कम आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और जिन्हें बुखार, सर्दी, खांसी व अन्य किसी तरह की बीमारी है वो गिरजाघरों में प्रवेश नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि इन्हीं लोगों को जो है कोरोना संक्रमण का खतरा ज्यादातर बना रहता है, तो इन्हें प्रवेश नहीं देने का जो फैसला है वो लिया गया है। और साथ ही प्रवेश और निकासी के लिए अलग अलग दरवाजे भी बनाए गए हैं। इसके साथ ही प्रवेश के पूर्व सैनिटाइजर से हाथ धोने की जो सुविधा है वो उपलब्ध रहेगी। थर्मल स्क्रीनिंग का जो इंतजाम है वो किया गया है और साथ ही गिरजाघरों के अंदर भी ध्यान रखा जाएगा कि 2 व्यक्तियों के बीच कम से कम 6 फीट की जो दूरी है वो बने रहे, और अगर गिरजाघरों में भीड़ ज्यादा बनाई जाती है तो फिर आने वाले व्यक्तियों को जो है प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। और भीड़ जो है, अगर भीड़ कम होती है, जैसे कि 10 से 15 लोग, जिस तरीके से मंदिर में गाइडलाइन बनाई गई है कि 10 से 15 लोग ही एक बार में प्रवेश कर सकेंगे, उसी प्रकार से गिरजाघरों में भी 10 से 15 लोग ही प्रवेश कर सकेंगे। इसके अलावा और भी अगर कोई प्रवेश करता है तो उसे बाहर से, मतलब उन्हें बाहर से इंतजार करना पड़ेगा। अगर जो व्यक्ति प्रार्थना करके जाता है तो फिर दूसरे व्यक्ति को जो है प्रवेश दिया जाएगा। सुप्रिया, सरकार ने जितनी भी रियायतें दी है उसमें एक गाइडलाइन भी जारी की है और साथ ही इंतजाम भी किए हैं, और अगर देखा जाए तो अगर जनता उस पूरी गाइडलाइन को फॉलो करती है तो कोरोना फैलने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। पर हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ ही नहीं, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर रियायतें तो मिली, बावजूद इसके जो आंकड़ा है वो भी बढ़ गया है। तो क्या लगता है, जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी उसका ढंग से पालन नहीं हो रहा है? जी बिल्कुल, सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का ढंग से पालन कहीं पर भी नहीं हो रहा है। ना व्यापारी इसका पालन करते दिखते हैं, ना बाजारों में इसका पालन होता दिखता है, ना ही लोग इसका पालन करते हैं। लोग भी जो है वो काफी लापरवाह नजर आते हैं, बेवजह सड़कों पर घूमते हुए नजर आते हैं। अगर किसी को कोई काम भी नहीं है तो भी वो बेवजह सड़कों पर मास्क लगाकर घूमता हुआ नजर आता है। साथ ही अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो राजधानी में ट्रैफिक भी काफी ज्यादा है, एक गाड़ी या दूसरी गाड़ी भी चट कर जो है एकदम करीब जो है खड़ी रहती है। इस तरीके से जो है राजधानी का माहौल है और साथ ही राजधानी शहर के जिलों में भी ऐसा ही माहौल जो है आपको नजर आएगा, क्योंकि जो व्यक्ति है वो काफी लापरवाह है और साथ ही प्रशासन भी बोल बोल के थक चुका। बिल्कुल सुप्रिया, और यही लापरवाही है कि जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और